हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और बुलंद होंगे। और आज हम लोग इस एक्टिव टू पैसिव वॉइस का अब अंतिम छोर पर हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इम्परेटिव सेंटेंस इन ट्रांजिटिव वर्ब, जो इन ट्रांजिटिव वर्ब में होगा यानी अकर्मक क्रिया में होगा। और दूसरी बात है एंड सेंटेंस विद स्टार्ट बाय लेट, और वैसा सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होता हो। यानी अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस का हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस जो इंट्रांजिटिव वर्ब में हो और वैसा सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होता हो, उन सभी सेंटेंस को हम आज देखने वाले हैं। और इसके पहले मैंने एक्टिव टू पैसिव वॉइस का हर रूल के साथ हर पैटर्न आपके बीच पेश करने का प्रयास किया है। और आप यदि इसके पहले उन तमाम वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आपसे आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा, प्रार्थना होगा कि आप उन सभी वीडियोस को भी आप एक बार अच्छे से देख लें, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और आप थोड़ा आस्था रखें, थोड़ा लगन रखें और आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। और आज के बाद फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि ये सेंटेंस मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है। हम जानते हैं कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। तो आस्था बनाए रखें, आप जुड़े रहें मेरे साथ और आप देखें कि कैसे मैं आपको हर समस्या से मुक्त करा देता हूं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस कुछ दिया हुआ है, ये सेंटेंस क्या है। जैसे स्टैंड अप कहने का अर्थ हुआ कि आप खड़े हो जाएं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है, वो इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। यानी एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का अर्थ हुआ सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है जिसके साथ कर्म हो तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिसके साथ कर्म नहीं हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जैसे स्टैंड अप हुआ, तो ये वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, कम हियर है कैसे बनाएंगे, वर्क हार्ड है कैसे बनाएंगे। यानी ये जो तीनों सेंटेंस है वो आपका है इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, और ये जो है आपका लेट प्लस वाला सेंटेंस यानी लेट से प्रारंभ है। तो ये दोनों समस्या का समाधान हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप देखें कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और आप अंत तक बने रहें तो हम लोग देखते हैं सीधे सेंटेंस पर कि सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले ऐसा सेंटेंस जो इंट्रांजिटिव में होगा, इसमें होगा इंट्रांजिटिव वर्ब में होगा, उस सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे। जैसे स्टैंड अप है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यू आर ऑर्डर टू लिखना है, यू आर ऑर्डर टू लिखना है। इसके बाद ये जो सेंटेंस दिया है उसको यहां पर कोई जोड़ देना है, तो यू आर ऑर्डर टू लिख दिए, और स्टैंड अप है तो स्टैंड अप हम यहां पर लिख देंगे। तो क्या हो गया, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बन जाता है। नेक्स्ट है कम हियर, तो हमको पुनः वही लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। तो ये क्या करना है, ये करना है यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। इस प्रकार सिंपल सेंटेंस है कि आपको यू आर ऑर्डर टू लिखना है, ये सेंटेंस यहां से यहां लिखना है, यहां से यहां आपको लिखना है, इसके बाद जो दिया गया था ना वो सेंटेंस को यहां पर जोड़ देना है, आपका सेंटेंस बन जाता है। जैसे वर्क हार्ड, ये वर्क हार्ड है, ये क्या है, ये वर्क हार्ड है, इसमें हमको पता चलता है कि वर्क हार्ड थोड़ा परिश्रम करो, ये क्या है, हमको समझ में ये आ गया होगा, आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि कुछ एडवाइस कर रहा है।
तो हम यहाँ पर यू आर ऑर्डर टू कर सकते हैं, ये वाले सेंटेंस को ऑर्डर वाले को इसको हम एडवाइस से भी बनाते हैं। और एडवाइस से हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे इसे यहाँ यू आर ऑर्डर टू लिखिए ना, तो उसके बदले हम यू आर एडवाइस टू लिखेंगे, जैसे वर्क हार्ड, इससे पता चलता है किसी को हम सजेशन दे रहे हैं, सजेस्ट करते हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, जैसे यू आर एडवाइस, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, तो ये क्या हो गया सेंटेंस आपका, यू आर एडवाइस टू लिखे, इसके बाद जो सेंटेंस लिखा था, जो पार्ट था यहाँ पर वर्क हार्ड, उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको मैंने जोड़ दिया, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाता है, वो सेंटेंस बन के रेडी हो जाता है। तो ये सेंटेंस आपको इंट्रांजिटिव वर्ब का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको यू आर ऑर्डर टू प्लस दिया हुआ सेंटेंस को आप जोड़ देंगे, फिर दूसरा क्या है, यू आर एडवाइस टू प्लस दिया हुआ सेंटेंस को आप जोड़ देंगे, तो ये सेंटेंस आपका इंट्रांजिटिव से कोई भी समस्या होगा वो समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ सेंटेंस होगा जो लेट से प्रारंभ होता है, जैसे इसमें दिया है कि लेट हिम कंप्लीट द होमवर्क, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो लेट है ना, ये लेट को हमको लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वो सेंटेंस लिखना है, जैसे लेट, इसके बाद ये जो है ना इसको लिखना है, लेट द होमवर्क, इतना लिखना है, इसके बाद हमको बी जोड़ना है, तो लेट द होमवर्क बी, ये कंप्लीट है तो इसको कंप्लीटेड यानी भीतरी फॉर्म में लाना है, तो लेट द होमवर्क बी कंप्लीटेड, और बाय हिम का प्रयोग कर देना है। तो क्या किए यहां पर आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस था किसमें था, ये जो सेंटेंस था मेरा, ये सेंटेंस या होता लेट हिम कंप्लीट द होमवर्क, ये सेंटेंस आपका लेट से प्रारंभ हो रहा था, तो ऐसे सेंटेंस को सबसे पहले लेट लिखे, इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर हम लिखे लेट द होमवर्क लिखे, इसके बाद क्या किए यहाँ पर बी का एक्स्ट्रा में ऐड कर दिए, और ये जो कंप्लीट है इसका भी थ्री फॉर्म कंप्लीटेड लिखे, फिर बाय लिखे, और ये जो हिम था उसको हम यहाँ पर लिख डाले, तो क्या हुआ लेट द होमवर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर, ये सेंटेंस को भी हम इसी तरह बनाते हैं, जैसे सबसे पहले लेट लिखेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, इसके बाद ये जो द मैटर है ना इसको लिखेंगे, तो लेट द मैटर, इसके बाद क्या करना है बी लिखना है, तो क्या के लेट लिखे सबसे पहले, इसके बाद द मैटर लिख दिए, इसके बाद क्या था यहां पर हम बी जोड़ दिए, इसके बाद ये जो डिस्कस है इसको बी थ्री में लिखेंगे, तो लेट द मैटर बी डिस्कस, यहाँ पर हम यदि लेट द मैटर बी डिस्कस लिखते हैं ये भी सेंटेंस मेरा बन जाता है, यदि आप यहाँ पर बाय प्लस ये भी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो ये भी सेंटेंस आपका बन जाता है, तो आपकी मर्जी है आप करें ना करें वो दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम लेट द मैटर बी डिस्कस, ये भी आपका सेंटेंस क्या होता है ये बन के रेडी हो जाता है, और बाय अस लगाएंगे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है कि लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, ये सेंटेंस को फिर हम दूसरे रूप में भी बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, लेट अस वर्क टुगेदर, ये सेंटेंस आपका इस तरह भी बनेगा, जैसे सबसे पहले क्या करना है इसको, इसको लिखना है इट इज सजेस्टेड दैट, क्या लिखना है इट इज सजेस्टेड दैट, इसके बाद ये जो अस है ना तो यहां पर हमको वी लिखना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, ठीक है, तो क्या करना है इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट यहां तक हमको लिखना है, इसके बाद जो यहाँ अस था तो वी लिखे, और ये
वी लिखने के बाद ये जो शुड वर्क टूगेदर हमको यहाँ पर क्या करना है, जोर देना है, यानी इट इज सजेस्टेड दैट लिखना है। इसके बाद जो प्रोनाउन होगा उस प्रोनाउन को मैंने इसकी क्या लिखा, अस के बजाय वी का प्रयोग किया, वी, इसके बाद शुड लिखे, फिर वर्क टूगेदर, तो वर्क टूगेदर ये मेरा क्या होता है, यहाँ पर हम जोर देते हैं, तो ये सेंटेंस क्या होता है आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लेट देम डांस, लेट देम डांस, तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड डांस। तो ये क्या करना है, ये सेंटेंस को ये दिखाना है ये सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे यहां लिखा था लेट देम डांस, तो इट इज सजेस्टेड हमको यहाँ पर लिखना था, इट इज सजेस्टेड हमको क्या करना था, यहाँ पर लिखना था इट इज सजेस्टेड दैट, इसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पर देम था उसको मैंने दे लिखा, फिर सूड लिखा, और जो था उसको मैंने क्या किया यहाँ पर लिख डाला। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कोई भी सेंटेंस है वो आपका सेंटेंस बन जाता है। तो क्या हुआ, इट इज सजेस्टेड दैट, दैट के बाद क्या करेंगे, दे शुड डांस हम लिख देते हैं, तो ये सेंटेंस आपका बन जाता है। तो आपको क्या कंफ्यूजन समाप्त हो गई होगी, आपको यही देखना है जो भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब से होगा उसे क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू प्लस दिया हुआ सेंटेंस को हम दे देंगे तो सेंटेंस बन जाता है। तो और दूसरा बात है इसे वर्क हार्ड, इसको हम एडवाइस से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, यू आर एडवाइस टू लिखना है, फिर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको लास्ट में हम एड कर देंगे। और यदि कोई लेट से प्रारंभ होता हो, यानी लेट वाला सेंटेंस हो, उसे क्या करेंगे, इसे लेट हिम कंप्लीट द होमवर्क हुआ ना, इसको सबसे पहले लेट लिखना है, फिर द होमवर्क लिखना है, इसके बाद क्या करना है, बी का प्रयोग करना है, फिर भित्री का प्रयोग करना है, और फिर जो भी प्रोनाउन हो उसको हम लास्ट में बाय प्लस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, वो सेंटेंस बन जाएगा। दूसरी बात है कि इस प्रकार के सेंटेंस को इट इज सजेस्टेड टू से भी बनाते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट से भी बनाते हैं। तो जैसे लेट अस वर्क टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर। जैसे लेट देम डांस, तो इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड डांस। इस प्रकार के सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म के माध्यम से आप बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसको आप यू आर ऑर्डर टू से बनाएंगे, और यदि एडवाइस वाला सेंटेंस होगा तो यू आर एडवाइस यहाँ पर जोड़ देना है, बस सेंटेंस को उतार देना है। लेट वाला सेंटेंस होगा तो क्या करना है, सबसे पहले लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको यहाँ पर बी का प्रयोग करना है, फिर भित्री का प्रयोग करना है, और इसको यहाँ पर बाय प्लस प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। दूसरी बात है कि इट इज सजेस्टेड दैट से भी सेंटेंस बनता है, जैसे लेट देम डांस, तो इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड डांस, यानी दे सब्जेक्ट के बाद फिर शुड लगाएंगे, फिर जो भी वहां पर ऑब्जेक्ट होगा उसको अंत में हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको जो भी कंफ्यूजन होगा आप इन तमाम सेंटेंसों के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और टेंस और वॉयस संबंधी और ग्रामर से जो भी समस्या आपके पास हो उन सभी तमाम समस्याओं का समाधान हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस में है। आप उसे एक बार अवश्य देख लें ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या मैं जानता हूँ और क्या मैं नहीं जानता हूँ, यानी आपकी हर समस्या का समाधान उससे हमारे चैनल में है। इसलिए आप उन सभी तमाम वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। तो दोस्तों आप उसका प्रयास करेंगे और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।